नमस्कार दोस्तों, संस्कृत शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का फर्स्ट लेसन का चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं। देखिए, सद्वीरेव सहासीत सद्वी कुर्वीत संगतिम सद्वीर विवादम मैत्रीं चे नैसद्वी किंचित आचरित। सद्वीरेव सज्जनों के सहकर्म साथ ही आसीत बैठना चाहिए। सद्वी सज्जनों के एव सह साथ ही आसीत बैठना चाहिए। सद्वी सज्जनों की संगति कुर्वीत करनी चाहिए। सज्जनों की संगति करनी चाहिए अर्थात सज्जनों की संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। सद्वी विवादम मैत्रीं च, सद्वी सज्जनों के साथ विवादम विवाद मैत्रीं च और मित्रता करनी चाहिए। सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए क्योंकि सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि सज्जन विवाद को भी एक ज्ञान के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं। जब ज्ञान के माध्यम से सज्जन किसी विवाद को सुलझाते हैं तो हमें भी ज्ञान होता है। इसलिए सज्जनों के साथ मित्रता और विवाद दोनों ही लाभप्रद हैं। न असद्भि, असद्भि का मतलब असज्जनों के साथ किंचित कुछ भी न आचरित, आचरण नहीं करना चाहिए। सज्जनों के साथ न तो मित्रता करनी चाहिए और न ही विवाद करना चाहिए। इसका अनुवाद दोबारा एक बार और देखते हैं। सद्वीरेव सहासीत, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्वी सज्जनों की संगति कुर्वीत करनी चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। सद्वी सज्जनों के साथ विवादम मैत्रीं च, विवाद और मित्रता करनी चाहिए। न असद्भि, असज्जनों के साथ किंचित कुछ भी न आचरित, व्यवहार नहीं करना चाहिए। अनुवाद देखिए, अनुवाद है सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, असज्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थात सज्जनों के साथ मित्रता तथा विवाद दोनों ही लाभप्रद हैं, क्योंकि सज्जन विवाद होने पर भी अपने ज्ञान के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करते हैं। किसको सुलझाने का? विवाद सुलझाने का प्रयास करते हैं तथा मित्रता बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करते हैं। अब संधि देखिए, सद्वी विसर्ग प्लस एक, ये विसर्ग संधि है और विसर्ग संधि में भी रुत्व विसर्ग संधि है। सह प्लस आसीत दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में स्वर संधि है, स्वर संधि का पाठ ही है दीर्घ संधि। सद्वी प्लस विवादम विसर्ग संधि है और विसर्ग संधि का पाठ है रुत्व विसर्ग संधि। न प्लस असद्वी दीर्घ संधि है और स्वर संधि का पाठ है। हम ये संधि का चैप्टर भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये जो लिटरेचर है आपका रीडर है ये पूरा करें, इसके बाद वन बाय वन हम एक एक चैप्टर व्याकरण का भी पढ़ेंगे। धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु चे आहारे व्यवहारे चे तयक्त लज्जे सुखी भवी। धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या या विद्या के संग्रह सूचे संग्रह करने में, विद्या को इकट्ठा करने में, विद्या पढ़ने में, आहारे भोजन करने में, व्यवहारे चे और व्यवहार करने में जो लज्जा त्यागते, लज्जा त्याग देता है, संकोच त्याग देता है या शर्म खो देता है, सुखी भवेत वह सुखी होता है। कहने का मतलब धन धान्य प्रयोग में और
विद्या की संचय करने में और आहार व्यवहार में जो लज्जय तैयते संकोच त्याग देता है वह सुखी भवेद सुखी होता है। प्रत्येक शब्द का अर्थ है, इनसे स्पष्ट हो जाएगा कि हम अगर हिंदी देखते हैं इनका अर्थ देखेंगे धन धान्य प्रयोगी सु का मतलब धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया च और विद्या के संग्रह सु संग्रह में, आहारे भोजन करने में, व्यवहारे च और व्यवहार करने में, तयक तलज्जे जो संकोच त्याग देता है सुखी वह सुखी भवित होता है वह सुखी हो। तो देखते हैं डायरेक्ट धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, भोजन करने में और व्यवहार करने में जो संकोच त्याग देता है वह सुखी होता है। तो ट्रांसलेशन जो अनुवाद है वो एकदम सही आता है, प्रत्येक शब्द का अर्थ हम अन्वय के आधार पर करते हैं। तो अब देखते हैं विद्याया, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है संबंध कारक, तो संबंध कारक का चिन्ह होता है का के की, तो विद्या का या विद्या के या विद्या की, जो भी शब्द का के की में सही अर्थ स्पष्ट करता है वही सब अक्षर हम लिखेंगे। संग्रहेषु में पर अधिकरण कारक, अधिकरण में पर, तो संग्रह में, आहारे आहार बोलते हैं भोजन को, तो भोजन करने में, व्यवहारे चे और व्यवहार करने में, व्यवहारे और आहारे दोनों में अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, तो आहार में अर्थात भोजन करने में, व्यवहारे चे और व्यवहार करने में, तयक्त लज्जय जो संकोच त्याग देता है, तयक्त का मतलब त्यागना, लज्जय का मतलब संकोच शर्म एजिटेशन, सुखी का मतलब सुखी भवित का मतलब होता है हो। तो धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, भोजन करने में और व्यवहार करने में जो संकोच त्याग देता है वह सुखी होता है। अनुवाद है, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, भोजन करने में, व्यवहार करने में जो मनुष्य संकोच नहीं करता है वह सुखी होता है। नंबर सिक्स, क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड़वे करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड़वे करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। लोके संसार में क्षमा वशीकृति, क्षमा रूपी वशीकरण जिसके पास में है, अर्थात संसार में जो क्षमाशील है, क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से किम क्या नहीं साध्यते सफल होता है, अर्थात क्षमा से कौन सा कार्य सफल नहीं होता है, अर्थात क्षमा करने वाले मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं। और यस्य करे जिसके हाथ में शांति खड़गे शांति रूपी तलवार होती है, अर्थात जो हमेशा शांति चाहता है, तस्से उसका दुर्जने दुष्ट मनुष्य किम करिष्यति क्या करेगा, अर्थात उसका क्या कर सकता है। देखिए शब्दों का अर्थ, लोके संसार में क्षमा वशीकृति, क्षमा वशीकरण है संसार में, क्षमा वशीकरण है क्षमा वश में करने वाला होता है, क्योंकि क्षमया क्षमा से किम क्या नहीं साध्यते सफल होता है, क्योंकि क्षमा से क्या नहीं सफल होता है। यस्य जिसके करे हाथ में शांति खड़ गए शांति रूपी तलवार है, तस्से उसका दुर्जने दुर्जन दुष्ट मनुष्य किम क्या करिष्यति करेगा, अर्थात कर सकता है। अब अनुवाद देखते हैं, अनुवाद है,
क्षमा संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या कार्य नहीं होता है, अर्थात सभी कार्य हो जाते हैं। जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं कर सकता है। अर्थात कुछ कर सकता है। इसलिए मनुष्य को क्षमाशील होना चाहिए, लेकिन क्षमा करने योग्य पर ही करनी चाहिए।